अस्सलाम वालेकुम, ये जनाब हम मिनी मर्ग में जो डोमेल का इलाका है वहाँ दाखिल हो चुके हैं। ये डोमेल की झील है और ये चूँकि अगर आप टॉप पे देखें तो वो सामने पाकिस्तान आर्मी का आखिरी मोर्चा है या चेक पोस्ट है और उससे आगे इंडिया है। और ये एक लिखा हुआ है वो ओनली बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड वर्स्ट ऑफ द एनिमीज विजिट अस पाक आर्मी। ये गालबन कोई एक वाटर चैनल बना के और नीचे ये पाइप गुजार के और ये कोई पावर जनरेशन का सिस्टम है गालबन। और ये देखें खूबसूरत चट्टान के ऊपर से नीचे से पानी आ रहा है और वो ऊपर नज़र आ रही है जो रैम्बो लेक है। ये आप देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये थोड़ा जो सीनरी है ये सवात और मरी जैसी लग रही है और यहाँ मुख्तलिफ लोग विज़िट करने आते हैं। आ चुके 28 जुलाई है और 9 मुहर्रम की है तो कम लोग हैं। ये एक और मोनूमेंट है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये कैप्टन कर्नल शेर खां शहीद है जो 99 में कारगिल की जंग में शहीद हुए और ये मुख्तलिफ शहदा के नाम लिखे हुए हैं, यूनिट्स डोमेल। और इसी तरह ये हवालदार लालक जान है जिनका लिखा हुआ है। और ये हिस्ट्री मोनूमेंट्स ऑफ डोमेल सेक्टर 30 पंजाब। और ये रेनबो लेक का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है। What is life, time, adventure for you is a daily routine for us. What is lifetime, adventure for you is a daily routine for us. ये जनाब देखें बुनियादी तौर पर ये सारा आरिया एरिया जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने इसको डिवेल्प किया है और चूँकि ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है तो वहाँ सेंसिटिविटी के अतबार से हर आने जाने वाले का यहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है। आई विल कम बैक आइदर आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग और बीइंग रैप्ड इन द फ्लैग। वाह, एक जो पाक आर्मी का जवान है वो ये कहता है जी कि या तो मैं फ्लैग लगा के आऊँगा या इसी में लपेट के मुझे वापस भेजा जाएगा। मे God have mercy on your, on our enemies because we wouldn't. चूँकि खुदा हमारे दुश्मनों पर रहम करे हम तो उन पर नहीं करेंगे। ये फ़ौजों का एक होता है यूनिट्स इन डोमेल सेक्टर, ये सारी उसकी डिटेल है। ये यहाँ के मुकामी लोग आ रहे हैं। सन रूम सुविनियर टक शॉप यानी यहाँ भी अवेलेबल है। रेनबो लेक, द लेक वॉज इनिशली डिवेल्प्ड बाय 12 NLI regiment in 1998 from a small catchment area and as then known as Yaldram Lake. Over the years the spectacular appearance of two rainbows after every rainfall and the presence of rainbow trout in its waters made it to be known as Rainbow Lake. ये है जी पिक्चर पॉइंट। और ये आप देखें क्या ही खूबसूरत झील है। वो सामने टक शॉप है और वो ऊपर देखें कि जो आबशारे हैं वो जम चुकी हैं। और ये जो पिक्चर पॉइंट है मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखा दूँ। वो झील के दरमियान जो है वो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। What a beautiful scene it is. डोमेल की तरफ आने की एक वजह ये भी है कि वजाहत एक यहाँ अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो मैं 3 साल पहले आया था तो वो हमारे ड्राइवर थे प्राडो में। तो जो हमारे दोस्त हसीब वड़ाइश साहब ने हायर की थी, डॉक्टर हसीब वड़ाइश ने, तो मैंने उससे आने से पहले पता किया कि जी, तो उसने मुझे यहाँ की तस्वीरें भेजी। तो ये वाकई बहुत खूबसूरत है
और बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे उस साइड पे चले गए हार्ट में, मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर राम और सुहेल बसरा भी हैं। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी हो गया है। वाह, ये देखें ऊपर पहाड़ों के ऊपर बादल हैं। ये कुछ और फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।